जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। हे साई तुझे बाऊजी। हाँ, देख रहा था शायद ताले को जंग लग गया है। दिन भर आप इस संदूक की चौकीदारी करते हैं और रात को घोड़े बेचकर सोते हैं, इसलिए रात को आपकी बड़ी बहू बार बार उठकर आती है ये देखने कि आपके संदूक का ताला सलामत है या नहीं। इससे मेरी नींद खराब होती है बाऊजी। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते, इसमें जो कुछ भी है आप बैंक के लॉकर में जमा कर दीजिए। इसकी हिफाजत की चिंता से सब घर वाले मुक्त हो जाएंगे बाऊजी। बाऊजी भी बस अपने ट्रंक में जेवरातों को ताला लगा के चिंता करते हैं। पर उसमें तो 2 किलो का ताला लगा हुआ है, फिर काहे की चिंता। पता अच्छा है। संजीव जी देखो ना, मैं तो मैगजीन में ये ज्वेलरी की फोटो देख के अपना दिल बहला रही हूँ। तुम तो कुछ खरीद के देते नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो मायके से लाई हूँ, बस उसी से दिल बहलाना पड़ता है। अरे मैं ये सोच के नहीं खरीदता कि बाऊजी के जाने के बाद तो वो बॉक्स तुम्हें ही मिलेगा, बड़ी बहू हूँ ना इस घर की। और वो तुम्हारा छोटा भाई और उसकी बीवी, वो क्या चुप बैठेंगे? हम क्यों चुप बैठेंगे, हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तुम्हारी भाभी तो क्या, बाबूजी को जो पसंद है वही खाना खिलाती है। तो तुम भी बनाओ और खिलाओ, तुम्हें कौन रोकता है। तुम अच्छे से जानते हो ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम बाबूजी के सुबह शाम पाँव दबा दो, और भी कई तरीके हैं उनकी सेवा करने के। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बाबूजी के कमरे में जाकर उनके पाँव दबाऊं? वो मुझ पे शक करेंगे बाबा। ना, मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले तुम ये काम करने का मूड तो बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे डार्लिंग, गुस्सा क्यों करती हो, मैं तुम्हें 9 लाखा हार पहनाऊंगा। बाऊजी का संदूक तो अपने अंडर आने दो, फिर देखो मैं तुम्हें क्या क्या संदूक के खजाने से निकाल के देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है उसमें क्या क्या खजाना होगा? कुछ तो होगा। मुझे तो लगता है कैश ही 70-80 लाख होगा, बाकी कहने तो पूछो मत। 70-80 लाख और गहने कितने तोले होंगे? हमारे हिस्से में कितना आएगा? देखो मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, मुझे कम से कम 35-40 लाख तो चाहिए ही। क्यों? क्यों का क्या मतलब? पति देव दिन भर बाबूजी के कपड़े से लेकर उनका खाना, उनकी दवाइयाँ तक की सब जिम्मेदारियाँ मैं अकेली निभाती आ रही हूँ 4 साल से। वो छोटी बहू तो जुमा 8 महीने पहले घर आई है और सारा दिन फोन पे अपने कमरे में बंद एसी में आराम फरमाती है। अरे पगली, तू तो नसीब वाली है, तुझे ही मिलेगा देखना। बात करती है। देखो स्वीटा, मेरा बड़े भैया से बात करने का तभी हक है अगर तुम बाऊजी की सेवा करोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
ले जाए जाने कहां, न मुझको खबर न तुझको पता। ओ देखो बाबूजी आज भी कितने सुर में गाते हैं। बचपन में हमें लोरियां गा के सुलाते थे। बाबूजी तो हमारे मोहम्मद रफी हैं। दिन भर एंटरटेनमेंट हो जाता है। रेडियो ऑन ही नहीं करना पड़ता। अरे बाबूजी की मेडिसिन का टाइम हो गया है, जाओ जाके मेडिसिन देके आओ जल्दी से। ये हवा का तो पता नहीं, पर ये खांसी जरूर बाबूजी को एक दिन लेकर जाएगी। तुम कहाँ दौड़ रही हो? बाबूजी को दवाई देने। पर वो तो रोज उन्हें मैं ही देती हूँ। अरे बाबा आप रोज देती थी ना, आज आप आराम कीजिए, आज से मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं उन्हें मैं ही दूंगी। तुम जाओ दीवा जी के पास बैठो। क्या बात है बाबू जी, अब तो मोहम्मद रफी को मात करते हैं। लेकिन मोहम्मद रफी गाते हुए खांसते नहीं थे। आ लाइए मुझे दीजिए। जीते रहो खुश रहो दोनों। डार्लिंग मुझे तो तुमने बाबूजी के पैर दबाने भेज दिया और खुद यहाँ खर्राटे भर रहे हो। आ गई तुम, चलो आओ सो जाओ। सो जाओ क्या मतलब है तुम्हारा? अरे रे रे रे, तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़ गए बाबूजी के पांव दबाते दबाते। लो अब मीठी सी मलम लगा दी मैंने। हाँ जी ऐसी मलम हर वक्त लगाओ। मैं बता रही हूँ जितना बड़ा ताला उतनी चोरी होने की संभावना। क्यों भाभी? तूने बिल्कुल सही कहा छोटी, अगर चोरों की नजर खुल्लम खुल्ला ताला बंद संदूक पर पड़ जाए तो पहले उसी घर में चोरी करने आएंगे। भाभी डाकू आ गए तब हमारा क्या होगा? तो शोले का गब्बर सिंह आ जाएगा और पूछेगा अब तेरा क्या होगा गोरी। लो आप दोनों इस दो किलो के ताले को खोल दो। मंजू ये तुम्हारा आपका है। विद लव एंड ब्लेसिंग्स बाबूजी। Ha 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 ha